हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मीज किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सिंपल बट टेस्टी होटल स्टाइल मिक्स वेज ग्रेवी। आप इस सिंपल सी बनी मिक्स वेज को कैसे होटल टाइप टेस्ट और टच दे सकते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले स्टार्ट ग्रेवी बनाने से करेंगे, तो आइए करते स्टार्ट। मैंने यहाँ पर पैन लिया है, 2 मिनट के लिए पैन को मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसे थोड़ा सा स्लाइस में कट कर लिया है, उसे डालेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें, आपको अगर ग्रेवी में प्याज ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा ले लें। प्याज यहाँ पर हल्का सा भून गया है, अब इसमें 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। साथ में इसमें 1 चम्मच धनिया के दाने डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची के दाने निकाल के रखे थे वो डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे भूनना है। आप चाहे तो इसका कच्चा भी पेस्ट बना सकते हैं, बट फ्राई करने से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी भी हमारी स्मूथ बनती है। सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है, तो हम गैस फ्लेम थोड़ा सा लो कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे छोटे टुकड़े में कटा हुआ गाजर लिया है और 1 छोटा टुकड़े में कटा हुआ आलू लिया है। आलू और गाजर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनती है, स्मूथ बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। पैन को कवर कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में इसे एक बार ज़रूर टॉस कर ले ताकि ये जले ना। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से पक गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसे पूरी तरह से भी हमें पकाना नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। मिक्सर जार में मसाला ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बारीक सा और स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट यहाँ पे तैयार है, एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बना है। अगर पेस्ट बनाते समय थोड़ा पानी और लगे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप पेस्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है, कढ़ाई में अपनी पसंद के हिसाब से तेल ले ले। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 2 तेज पत्ते डालेंगे, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 4 से 5 लौंग डालेंगे। लौंग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। मैंने एक स्टार फूल लिया है, उसे डालेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से ले लें। 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, गैस धीमा रखें ताकि मसाले हमारे जले ना। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच तीखा मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये सभी आप अपने हिसाब से डालें। 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, लो गैस पे ही 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। आप चाहे तो सभी मसाले पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं ताकि मसाले जले ना। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और भूनेंगे। गैस फ्लेम स्लो ही रखें ताकि मसाले हमारे जले ना। अब आलू, गाजर, मटर, फूलगोभी डालेंगे। सभी वेजिटेबल आप अपनी पसंद के हिसाब से ले लें। मैं इस रेसिपी में पनीर और बीन्स भी नहीं डालूंगी क्योंकि बीन्स हमारे घर में खाते नहीं हैं और पनीर भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के हमें पकाना है। गैस फ्लेम स्लो ही रखना है ताकि मसाले, जो ड्राई मसाले हम लोगों ने डाले थे, वो जले ना। बीच में चाहे तो आप इसे एक बार चेक करके मिक्स कर सकते हैं। सब्जी हमारी आधी तरह से यहाँ पे पक गई है, सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो पेस्ट बनाया है उसे डालेंगे। पेस्ट की क्वांटिटी आप हिसाब से डालें, आपको अगर लगता है कि पेस्ट ज़्यादा हो गया है तो आप उसे जितना लगता है उतना यूज़ करें और बाकी का पेस्ट आप फ्रिज में रख दें। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके फिक्स से पकाएंगे। गैस फ्लेम लो रखना है।
5 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अगर आपको एकदम ड्राई ग्रेवी चाहिए तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पानी डालना है तो पानी डाल के ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाला है, मिक्स करेंगे। सब्ज़ी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी दो सब्जियाँ मैंने जो बचा के रखी थी वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने बड़े टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है और सेम साइज़ में कटा हुआ एक प्याज लिया है। ये दोनों सब्जियाँ मैंने बाद में इसलिए डाली है क्योंकि ये कच्ची अच्छी लगती है मिक्स वेज में, इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। अगर हम लोग ये चीज़ें पहले डाल देते तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और शिमला मिर्च दिखती भी नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। एक चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे और फाइनली 2 से 3 चम्मच अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम से यहाँ पे एक जो फाइनल टच मिला है हमारी मिक्स वेज ग्रेवी को, स्मूथ और क्रीमी। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे लो फ्लेम पे, थोड़ा सा शिमर होने देंगे। आप चाहे तो 5 मिनट के लिए इसे फिर से कवर करके पका सकते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पे गैस फ्लेम बंद कर दी है। अब इसे ढाबे या रेस्टोरेंट वाला स्मोकी फ्लेवर देना है। यहाँ पे मैंने कोयले का टुकड़ा जलाया है, उसे एक कटोरी में लेके ऐसे बीच में रखे और उस पर तेल या घी डाले। जब स्मोक निकलने लगे तब इसे ढक ले और 2 मिनट के लिए छोड़ दे। तो तैयार है हमारी डिलीशियस यमी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज ग्रेवी। फाइनली हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी ये मिक्स वेज ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ में एक अच्छे से कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं कोई नई रेसिपी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।